पहले बनेगी मैगी, फिर बनेगा मैगी ऑमलेट, इज द वेरी स्पेशल, जो पुरानी दिल्ली की एक हल्के का स्वाद है। फिर हम बनाएंगे इसकी मैगी ऑमलेट, तैयार होती है। तो अंकल जी आज कौन सा ऑमलेट बनाने वाले हैं? मैं आज आपको खिला रहा हूँ बच्चों वाली मैगी, जो बनती है सिर्फ 2 मिनट में, मगर ऑमलेट मैगी का एक अलग सा स्वाद है। आइएगा पूरी मेकिंग दिखाते हैं। पहले बनेगी मैगी, फिर बनेगा मैगी ऑमलेट, इज द वेरी स्पेशल, जो पुरानी दिल्ली की एक हल्के का स्वाद है। मैं अलग अलग वैरायटी खिलाता रहता हूँ, पर आज मेरी बड़ी प्यारी चीज़ है, वो है मैगी ऑमलेट। बड़ा प्यारा सा स्वाद, आइएगा वही खिलाएंगे। अभी इस मैगी के अंदर डालेंगे बहुत सारे फ्लेवर जो दिल्ली 6 के हैं, और बहुत सारा स्वाद डालेगा वो है प्याज मिर्चे वगैरह, क्योंकि ऑमलेट बनने के लिए मैगी जब बनती है तो इसमें बहुत से स्वाद डाले जाते हैं। अब प्याज मिर्चे बहुत सारे यहाँ के मसाले, उसी हिसाब से ऑमलेट बनता है। ये मैंने सिर्फ मैगी मसाला डाला है, और बाकी हल्का सा नमक, यहाँ का बाउजी वाला मसाला, ये लाल मिर्च, ठंडे नहीं देगी मिर्च, ये हल्दी, प्याज, मिर्चे, ये अदरक, धनिया और ये टमाटर। अब इसकी बनेगी पूरी मैगी, और फिर बनेगा इसका मैगी ऑमलेट, वेरी स्पेशल। ठीक है सर, मैगी के लिए पहले मैगी तैयार हो चुकी है। मैगी के बाद अब आइएगा ऑमलेट, और फिर मैगी बनाते हुए बड़ा प्यारा सा टेस्ट देते हैं। एक अंडा खींच दो, नहीं तो जल्दी आ जाए। मैंने क्वार्टर मक्खन डाला है, 2 अंडे बोटे से लेते हैं, और उसकी मेकिंग शुरू करते हैं मैगी ऑमलेट की। बड़ा प्यारा सा टेस्ट है हमारा ये मैगी का। ये प्याज, ये मिर्चे और ये अदरक थोड़ी सी स्वाद के लिए, और नमक, लाल मिर्च, और ये वही पुराना मसाला जो हमारे 15 से 18 मसालों के बीच का होता है, भून के हम बनाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो स्वाद में मैगी के अंदर देंगे, और मैगी को पूरा अंदर फिट भी करेंगे। आपके सामने आइए, पूरी दिखाते हैं, और स्वाद को भी दिखाते हैं, जो चीज़ आगे चलती चली जाती है स्वाद में बनने के लिए। ठीक है जी, ये रही हमारी खौलती मैगी, बिल्कुल तैयार है। आइएगा मैगी डालते हैं। ये पूरी मैगी डलती है इसके अंदर, ये पूरा हैवी होता है। अब फिर इसको पूरी अच्छी तरह सेट करके फिर हम बनाएंगे इसकी मैगी हमें। ठीक है साहब, काम करते हैं। देखिएगा, मैंने ऑमलेट के ऊपर पूरी मैगी बिल्कुल फिट कर दी है, और फिर इसके अंदर डलेगा बॉयल्ड एग, फिर अंदर के एक पेरिटेशन के लिए और स्वाद जो डलेंगे मैं वो भी डालूँगा। ये मैंने बॉयल्ड एग डाला है, ठीक, ये अदरक, ओ धनिया सॉरी, एंड टमाटर, ये थोड़ी सी अदरक और स्वाद के लिए, ये हमारे बाउजी वाला मसाला जो पुराना स्वाद वाला, ये साथ दिया जाएगा। आइएगा उस स्वाद को पूरा बनाते हैं, अभी पूरा अच्छी तरह पलटा लगेगा, उसको अच्छी तरह सिकाई करके देंगे। ये बच्चों वाली मैगी ऐसी नहीं थी, ये ऑमलेट की मैगी है, और ऑमलेट के अंदर पूरी तैयार होती है। ठीक, अब इसमें लगेगी तंदूरी मेयो, तंदूरी सॉस। ये देखिएगा, पूरी मैगी इसी के अंदर फिट है, और इस स्वाद को मैगी वाले को देना और अलग सा स्वाद खिलाना, ये एक अलग सी कला है उस स्वाद के लिए। बाकी अभी और इसकी प्रेजेंटेशन होगी, अलग अलग स्वाद दिया जाएगा, जो मैगी के अंदर ही बोलते हैं। पहले बॉयल एग्स, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च,
कैचअप की पॉच ये लीजिएगा। ये मेरी मैगी ऑमलेट आपके लिए तैयार है और ये वो स्वाद है जो मैगी के अंदर गिने जाते हैं सर। ओके हेलो।